तो हिंदुओं में आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ आप ज्यादा हो वहाँ पर इनको भी ताजिए मत निकालने दो, वो निकालने दे दो ताजिए भाई, अपने जहाँ जहाँ हिंदू भाई है ताजिए निकलने नहीं देना इनकी अगली बार, और इनके कोई भी यात्रा हो कोई भी इनके त्योहारों बनने नहीं देना हिंदू इलाके के अंदर। भाई साहब ये चमन चूतिया जाहिल भक्त फटे निरोध का नतीजा ये कह रहा है कि हम ताजिया को निकलने नहीं देंगे, ये ताजिया निकलने नहीं देना इनकी अगली बार, और इनके भाई साहब जिस वक्त वो निकलेगा ना ताजिया उस वक्त चले आना, तुम्हारे दोनों पाव रोटी है ना वो गूदा बन जाएंगे। अगर नहीं यकीन तो ये देख लो एक छोटी सी तस्वीर। देख लिया क्या बोल रहा था, अभी हम ताजिया नहीं निकलने देंगे, देख लिया ना ताजिया निकलने नहीं देना इनकी अगली बार। अभी मूतखोर चिंदी चोर जितने लाठी है ना सब नहीं, अगर एक ही लाठी तुम्हारे पछवाड़े से घुसा कर तुम्हारे मुंह से निकालेंगे ना तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर बाद में तुम क्या कहोगे पता है, यही कहोगे मुझे बवासीर है, बवासीर एक आम समस्या है। आज मैं कह रहा हूँ अपने मुसलमानों से, देश के मुसलमानों से, जो कहता हूँ इस देश के नागरिक है, पहली बात तो तुम इस देश के किराएदार हो, मैं बोलूंगा। चाची सुन रहे हो ना ये क्या कह रहे हैं, बात तो तुम इस देश के किराएदार हो, मैं बोलूंगा। देखियो मैं तत्वों पे बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। सारे के सारे 15 से 16 साल के बच्चे थे वहां पर, 15 से 16 साल के बच्चे थे, बूढ़े थे, पत्थर पकड़ा रहे थे बच्चों के हाथ में, फेंको इनके ऊपर, भारत के अंदर हाल कर दिया। अगर पुलिस अबे चमन चूतिया जाहिल सिर्फ भनोई ही दिखाई देंगे पत्थर मारते हुए, ये अपनी दीदी को भी देख ले क्या कर रही है। देख लिया ना अब नहीं बोलेगा क्योंकि मुंह में ना 5 इंच का घुस चुका है। आज मुसलमानों को रोड़ों पे उतरना चाहिए, आज मुसलमान रोड़ों पे उतरे, जो गंगा रोड पर उतर कर कहाँ करें बे, हमारे बदबू पांडे को लाइन मारे हैं। दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो ठोक दो लाइक और कर दो सब्सक्राइब, तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।